हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम राष्ट्रिक। आज हम देखेंगे विंडोज सर्वर 2019 में कैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो देखिए, मैंने माय कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज ओपन किया। देखिए, विंडोज सर्वर 2019 है। तो इस सिस्टम को अभी आईपी एड्रेस चेंज करके देखेंगे। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको स्टार्ट मेनू में राइट क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए, रन में रन बॉक्स ओपन कीजिए। उसके बाद टाइप कीजिए ncpa.cpl करके ओके कीजिए। ओके करने के बाद नेटवर्क कनेक्शन ओपन हो जाएगा। उधर देखिए, मेरा इंटरफेस जो इथरनेट है वो इधर शो होने लगा। मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद प्रॉपर्टीज करने के बाद इधर आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सन 6 है। तो आपको जो आईपी एड्रेस है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरा आईपी एड्रेस 6 नहीं चाहिए, इसीलिए अनचेक कर दिया। तो 4 चाहिए, 4 के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज़ क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा आ गया। तो मैं इधर स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो आईपी सेगमेंट है वो है 192.168.43. तो मैं इसमें 100 दे देता हूँ। ओके, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.43.1 और DNS दे देता हूँ 8.8.8.8 और DNS 4.2.2.2, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ओके क्लोज। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दे। अभी देखता हूँ नेट चल रहा है कि नहीं, इसलिए कमेंट फॉर्म ओपन करके गूगल के साथ पिन चेक कर लेता हूँ। PING 192.168.43.100 ये खुद का आईपी है, पिंग कर लिया। इसके बाद गूगल के साथ एक बार पिंग कर देता हूँ, ping.google.com। तो देखिए गूगल के साथ पिंग हो रहा है, मतलब DNS भी काम कर रहा है, गूगल का DNS। तो चलिए अभी दूसरा सिस्टम से देखेंगे ये जो हम लोग कॉन्फिगर किया है 192.168.43.100 वो काम कर रहा है कि नहीं। और एक बात, इधर फायरवॉल जो है वो ऑफ कर देता हूँ, तो दूसरा सिस्टम पे वो मिल जाएगा। firewall.cpl किया, उसके बाद इधर टर्न ऑफ ओके बंद कर दिया। अभी दूसरा सिस्टम पे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी विंडोज 7 में मैंने आ गया। तो विंडोज 7 से अभी पिंग करके देखता हूँ, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है वो पहले देख लेता हूँ। तो कमेंट फ्रॉम ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस है उसको पिंग करके देख लूँगा। पहले खुद का आईपी देख लेता हूँ, ICONFIG। देखिए इधर इसका आईपी एड्रेस 192.168.43.192, ठीक है, सेम सेगमेंट का ही आईपी एड्रेस है। अभी वो जो हम लोग का सर्वर का मैं कॉन्फ़िगर किया है उसका आईपी एड्रेस देता हूँ 100। तो देखिए पिंग आ रहा है। अभी मैं वो दूसरा सिस्टम पे जाकर इसका पिंग चेक कर लेता हूँ। तो देखिए सर्वर का सिस्टम पे आ गया। तो देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने चेक पिंग भी चेक कर लिया। आज हमने देखा कैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं विंडोज सर्वर 2019 में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड करने वाला हूँ सर्वर के ऊपर, लाइक DNS सर्वर, DSB सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर, पूरा सेटअप मैं यही सर्वर यूज करके करूँगा। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।